वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस कल की 2898 एडी की डे 14 यानी कि आज वेडनेसडे, सॉरी सेकंड वेडनेसडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। अब क्या गाइस, आज डे 14 की कलेक्शन के बाद कल की 1000 करोड़ कंप्लीट कर लेगी या नहीं, क्या कल करेगी, कितनी कलेक्शन हो चुकी है, हिंदी बेल्ट से कितना आ रहा है, इंडिया से नेट कितना, मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दो। जितना वीडियो को लाइक करोगे यूट्यूब वीडियो को उतना ज्यादा शेयर करेगा। एंड जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सर रिक्वेस्ट, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि 2,50,000 सब्सक्राइबर हम जल्दी से कंप्लीट करें। सो अब मूव करते हैं जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ और देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। देखो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं गाइस, जो ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के पहले 13 दिनों के, पहले 13 डेज के नंबर निकल कर आए यानी कि कल ट्यूसडे तक, वो हमारे थे लगभग 989। लेकिन जो ट्रेड या ट्रेड को छोड़ के जो मेकर्स हैं और मेकर्स ने आगे भाई साहब जो बड़े बड़े क्रिटिक्स बैठे हैं ट्विटर के ऊपर उनको बताया है, वो है 985 करोड़ रुपए। सो 985 करोड़ मेकर्स के अकॉर्डिंग हो चुके हैं। हम जिस तरह से ट्रैक कर रहे थे तो हम 4 करोड़ आगे हैं, तो अभी हम 4 करोड़ पीछे आ जाते हैं और 85 करोड़ को टारगेट करके चलेंगे और देखते हैं कि भाई साहब आज 15 करोड़ आ रहा है या नहीं। सो सबसे पहले इंडिया के अंदर जरा नेट कलेक्शन देखेंगे तो मैं ऑक्यूपेंसी से स्टार्ट करूंगा। मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग की ऑक्यूपेंसी आ चुकी है। सो तेलुगु 2D की सबसे पहले मैं बात करूंगा तो तेलुगु 2D से मॉर्निंग के अंदर गाइज ऑक्यूपेंसी आई थी ऑलमोस्ट 13% की और आफ्टरनून में गाइज ऑक्यूपेंसी आई है 19% की। यहां पर गाइज मैं आपको एक चीज जरूर शेयर करूंगा, हिंदी बेल्ट हो चाहे तमिल हो चाहे तेलुगु हो, हर लैंग्वेज में कल्कि के शोज रेडियोस हो चुके हैं। यस, कल्कि के शोज रेडियोस हैं और उसके बाद भी ऑक्यूपेंसी इतनी आ रही है तो बनता है। मॉर्निंग 13, आफ्टरनून 19, इवनिंग में अभी आई है लगभग 21% और ओवरऑल बना 17। इसके बाद तेलुगु 3D मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 12%, आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी आई ऑलमोस्ट 18% और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी अभी मुझे शो नहीं हो रही, ओवरऑल 15% बनी है। इसके बाद तमिल 3D मॉर्निंग 12%, आफ्टरनून 17, इवनिंग में ड्रॉप हुई 15%, ओवरऑल बना 15%। इसके बाद हिंदी 2D वर्जन मॉर्निंग 9%, आफ्टरनून 13%, इवनिंग 14%। ऑक्यूपेंसी कम है लेकिन ग्रो हुई है, मॉर्निंग में कम, आफ्टरनून में उससे ज्यादा, इवनिंग में उससे ज्यादा, ओवरऑल बनी 12%। और हमारा क्राइटेरिया क्या है कि अगर 20-25% ऑक्यूपेंसी आए या इससे ज्यादा आए तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है। तो ये तो 20 से बहुत कम है, ये 12% है। और अगर मैं हिंदी 3D की बताऊं तो मॉर्निंग 8%, आफ्टरनून 14, इवनिंग 16%, ओवरऑल बना 13। तो हिंदी 2D ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 12%, हिंदी 3D ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 13%। अगर हिंदी 3D के मैं आपको शोज बताऊं, मुंबई में 482 शोज हैं, दिल्ली NCR में 560 शोज हैं। ये शोज गाइस अभी हैं, अच्छे हैं, लेकिन परसों 12 जुलाई को अक्षय कुमार की फिल्म सरफेरा रिलीज होने जा रही है। मैं कोशिश करूंगा कि अभी आज उसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई थी तो आज तो नहीं, मैं कल वीडियो में आपको बताऊंगा कि सरफेरा एंड भाई उसके साथ इंडियन 2 इनकी एडवांस बुकिंग कैसी चल रही है और फिर कल्कि के साथ हम कंपेयर भी करेंगे। सो परसों 12th of July को तमिल में ऑफकोर्स आपको पता है इंडियन 2 रिलीज हो रही है तो वहां पर भाई साहब कल्कि के शो रिड्यूस होंगे और हिंदी बेल्ट में सरफेरा रिलीज हो रही है तो हिंदी में भाई साहब कल्कि के शो रिड्यूस होंगे। लेकिन उससे पहले मुंबई में 482 शोज, दिल्ली NCR में 560 शोज, पुणे में 191, बेंगलुरु में 139, हैदराबाद में 30, कोलकाता में 177, अहमदाबाद में 104, चेन्नई में 20 शोज, सूरत में 90, जयपुर में 87, चंडीगढ़ में 57, भोपाल में 46, लखनऊ में गाइस ऑलमोस्ट हो चुके हैं 105 शोज। अब देखो ओवरऑल भाई साहब हिंदी 3D के ये शोज थे ऑलरेडी कम है। अगर मैं हिंदी 2D के देखता हूँ, मुंबई में है 350, दिल्ली NCR में 493, उसके बाद पुणे में है 181, बेंगलुरु में है 138, हैदराबाद में है 88, कोलकाता में है 104, अहमदाबाद में है 243, चेन्नई में है 20, सूरत में है 196, जयपुर में है 76, चंडीगढ़ में है 46, भोपाल में है 56 एंड लखनऊ में है 130। अगर आप एक बात नोट करो तो भाई साहब दोनों शोज ना, हिंदी 3D एंड हिंदी 2D ऑलमोस्ट इक्वल है। कुछ जगह पर हिंदी 3D के ज्यादा हिंदी 2D के कम, कुछ जगह पर हिंदी 2D के ज्यादा हिंदी 3D कम, तो ऑलमोस्ट शोज
रोज गाइज कहीं ना कहीं सेम आ रहे हैं। इसके बाद गाइज मैं अगर आ जाऊँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ, तो अभी गाइज जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो भाई टाइम हो रहा है 7, और अभी 7 बजे तक 5.5 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है, 5.50 करोड़ की नेट कलेक्शन। और अभी इस वीडियो 7 बजे बना रहा हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट 2 घंटा पहले की है, यानी कि शाम के 5 बजे, आप शाम 5 बजे की बजाय शाम 6 बजे तक मान लो। तो आज शाम 6 बजे तक, कल की भाई साहब डे 14, शाम 6 बजे तक 5.5 करोड़ की नेट कलेक्शन कर चुकी है। अब 6 घंटे रहते हैं, और मैं आपको क्या बताता रहता हूं कि वेडनेसडे है आज, तो वेडनेसडे वर्किंग डे का मोस्ट डेंजरस वर्किंग डे होता है, क्योंकि इसके बाद जो अगले 2 वर्किंग डे होते हैं थर्सडे फ्राइडे, उन पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और गिरती है। सो अभी वेडनेसडे पे गिर रही है, तो अगले 2 दिनों में और गिरेगी। सो भाई आज वेडनेसडे के नाइट शोज की अगर मैं प्रिडिक्शन दूं तो मुझे इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे। तो कल भाई साहब ऑलमोस्ट अगर 9 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई, मंडे वाले दिन 11 करोड़ कर 9 करोड़, तो आज ऑलमोस्ट 7 करोड़ तक जा सकती है। अगर आज 7 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है तो ये ग्रॉस बनेगी 10 करोड़, और ओवरसीज आज गाइज ओवरसीज में हमें अच्छा खासा डिप देखने को मिल रहा है। ओवरसीज में ऑलमोस्ट भाई साहब 3 करोड़ के आसपास बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन है। अगर 3 करोड़ आता है तो ये बन जाता है ऑलमोस्ट 13 करोड़ रुपए, मतलब कि भाई साहब पहले 985, उसमें अगर मैं 13 करोड़ ऐड करता हूं तो ये बनता है 998 करोड़ रुपए, यानी कि आज कल की 1000 करोड़ रुपए नहीं कर रही है। हाँ, वो बात अलग है कि मेकर्स के पास भाई साहब जो ओवरसीज के नंबर्स हैं, कुछ कंट्रीज के ऐसे हैं जो जल्दी नहीं आते, बाद में आते हैं, अगर वहां से आ जाए तो 1000 करोड़ हो जाए तो वो अलग बात है भाई साहब, क्या पता हमें कल 1000 करोड़ का पोस्टर देखने को मिल सकता है, लेकिन चांसेस कम है। चांसेस यही है कि कल थर्सडे वाले दिन भाई साहब ये फिल्म 1000 करोड़ करेगी, और अगर 1000 करोड़ करेगी तो मतलब परसों हमें पोस्टर देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर आज कर जाती है नाइट शोज में, क्योंकि भाई अभी यहां पर तो शाम है और अभी रात हो जाएगी, वहां पर नॉर्थ अमेरिका या ओवरसीज में तो अभी वहां पर सुबह, अगर वहां पर अच्छा रेस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाता है, देन माइट बी पॉसिबल 1000 करोड़ हो जाए। अदरवाइज आज उम्मीद मत रखना, कल भाई साहब डे 15 पर 1000 करोड़ करेगी। बाकी इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा कि कौन सी फिल्म ने 1000 करोड़ कब किया, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली मेरा थैंक्स फॉर वॉचिंग। কেমন লাগলো স্যার? ভীষণ ভালো লেগেছে। মহাভারতের রেফারেন্স কেমন লাগলো? হ্যাঁ তাই তো, ঘটনাটা সত্যি। গল্পের ব্যাপারে কিছু বলবেন না, শুধু গল্পের ব্যাপারে বলবেন না, কেমন লাগলো? আমরা হতভম্ব হচ্ছি যে কি দেখাচ্ছে, কোন গ্রহ, কিন্তু তারপরে যখন আমাদের মাথায় ঘুরতে থাকলো তখন ভাবছি যে কবে আসলো ওই দিনটা, কবে যাবে এই হিংসা, খুন, খারাপি, একে মারা ওকে মেরে দিচ্ছে, একটা ভয়ঙ্কর দিন চলছে। আমরা তার মধ্যে দিয়ে চলতে কবে আসবে, সেকেন্ড পার্ট হবে, হ্যাঁ কবে আসবে সেই জন্য ওয়েট করছি, আর আমার এই পার্টনার যেন খুব তাড়াতাড়ি চলে যায়। থ্যাংক ইউ।